नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार द्वारा आप सभी को बहुत बड़ा सौगात दिया गया है। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सेविका है, सहायिका है, सुपरवाइजर है या मिनी कार्यकर्ता है, तो आपका जो मासिक वेतन होता है, आपका जो मानदेय है, वो बढ़ा दिया गया है। सरकार ने सीधा सीधा आपका जो मानदेय है 7,000 रुपए कर दिया है। तो ये आप सभी के लिए आज की बहुत ही बड़ी ताजा खबर है और खुशखबरी भी, क्योंकि आप सभी का काफी समय से इंतजार था सरकार से कि आपका जो मानदेय बढ़ा दिया जाए। तो सरकार ने आने वाले चुनावों को देखते हुए, अभी जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उसको देखते हुए सरकार ने ये बड़ी घोषणा की है और आप सभी का जो वेतन है बढ़ा भी दिया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको पूरी ताजा खबर की जानकारी देने वाला हूं और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार आपको लेटेस्ट अपडेट मिले, सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलते रहे, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके और घंटी का बेल आइकन दबाएं, और वीडियो को अपने साथ जो भी महिला करता है, जो भी सहायिका सेविका जो भी कार्यकर्ता है, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपके मित्रों के, आपके दोस्तों के लिए ये काम की खबर है। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए सीधा ताजा खबर की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अपडेट है, आप देख सकते हैं 9 मार्च की अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। लोकसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी सौगात, बढ़ाया मानदेय। जी हां, महिला कार्यकर्ताओं, आप सभी का जो मानदेय है बढ़ा दिया गया है। सभी जो पद होते हैं उन सभी के लिए मानदेय बढ़ाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय है बढ़ा दिया है। और यहां पर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर उन्हें सौगात दी है। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 7,000 रुपए प्रतिमाह होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो आप कार्यकर्ता है आंगनवाड़ी की, तो आपको 7,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5,300 रुपए प्रतिमा दिया जाएगा और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को जो है 4,000 रुपए प्रतिमा मानदेय दिया जाएगा। और आपको बता दें कि मानदेय की बढ़ी हुई दरें 1 अक्टूबर 2018 से लागू होगी। जी हां दोस्तों, पिछले साल से ये लागू की जाएगी और आपको इसका जो भी बेनिफिट मिलना होगा वो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। पिछले अभी तक के जो 2-4 महीने हैं उनका आपको बेनिफिट भी दिया जाएगा, पूरी आपको उसकी ग्रॉस सैलरी भी दी जाएगी। गौरतलब है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय में केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकार 40% राशि वहन करते हैं और राज्य सरकार अपने अंश की हिस्सा राशि के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 2,400 रुपए, 1,750 रुपए और 1,700 रुपए अतिरिक्त राशि के रूप में प्रतिमाह दे रही है। और अब इस अतिरिक्त राशि में क्रमांश 100, 50, 50 रुपए प्रति माह की वृद्धि की गई है। इस निर्णय से राज्य सरकार पर प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, महिलाओं, जो भी आप आंगनवाड़ी में काम करती है, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि काफी समय से आप लोगों के जो मानदेय को लेकर के जो अड़चनें आ रही थी, जो बाधाएं आ रही थी, वो आज फाइनली दूर हो चुकी है और आपका जो महीने का जो वेतन है वो बढ़ा दिया गया है। और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार आपको अपडेट मिलती रहे, खबरों से आपको अपडेट रहना पड़े, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके और घंटी का बेल आइकन दबाएं, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।